इंदौर के मऊ में आदिवासी युवती की करंट लगने से मौत के बाद पुलिस फायरिंग में आदिवासी युवक की मौत के मामले ने खलबली मचा दी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया तो वहीं उसने अपने आदिवासी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल को मऊ रवाना किया जिन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मऊ मामले में जमकर गरमाई सियासत, कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मऊ। मृतक युवक के परिजन से की मुलाकात, परिवार को उचित न्याय दिलाने की मांग। दरअसल मऊ के बड़गौंदा थाना इलाके में एक युवती की करंट लगने से मौत हो गई थी जिसके विरोध में परिजन और आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसके जवाब में पुलिस की हवाई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जिसके विरोध में कांग्रेस उतर आई है और उसके विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार के परिजन से मुलाकात की। घटना घटी है, बड़ी दुखद घटना घट रही है और एक लड़की को लाकर उसके साथ और हत्या करने वाले कौन है क्या वो सब जानते हैं। बीजेपी इस केस को दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है मगर ये केस दबने वाला नहीं है और हर तरह से हमारे आदिवासियों के ऊपर सब हमला केस होते जा रहा है हर जगह। आपके नेमावर में देख लीजिए, आपके सतना में उधर जो है उधर दूसरी जगह देख लीजिए, हर जगह केस आदिवासी के साथ ही हो रहा है। तो ये बना बहुत दुखद है और ये सरकार उस केस को दबाने में लगी हुई है, इसलिए आज हम लोग आए हैं और वहाँ से उनसे दुखद परिवार से दुखी परिवार से मिलेंगे और उनसी सारी बात सुनेंगे इस तरह से। और वहाँ पर उनको परिवार को बना दबाया जा रहा है, तुम 10 लाख रुपए ले लो और आदिवासी की कीमत क्या 10 लाख है क्या? तो इसलिए उनको मतलब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उनको देना है सरकार को 5 करोड़ रुपए दे तो मतलब कोई बात होती है। आप 10 लाख रुपए देकर आदिवासी परिवार को मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं और ये मतलब बहुत गलत बात है और इस केस को मतलब जो मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आदिवासियों की के सम्मान में उनकी हितों की रक्षा कमलनाथ के नेतृत्व में पूरे आदिवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और ये जो जिस तरह से जो घटना हुई है, जो आदिवासी युवती के साथ में रेप गैंगरेप और उसके बाद उसकी हत्या कर देना, ये शिवराज सिंह जी की सरकार में जो बढ़ते हुए अपराध जो है, बढ़ते हुए जो प्रकरण है, ये स्पष्ट होता है। और अभी हम लोग खुद विधानसभा छोड़कर आए हैं और तीन दिन पहले गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है, पूरे देश में अत्याचार और अन्याय और महिलाओं के साथ में और विशेषकर आदिवासी महिलाओं के साथ में अत्याचार अन्याय और जो सामूहिक जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना और बताना चाहता हूँ कि इस अन्याय और इस जुर्म के खिलाफ कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ में खड़ी है और जैसे ही घटना का पता चला तत्काल उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी में हम लोग यहाँ आए हैं और उसके बाद इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। वहीं अब पूरे सत्र में मऊ गोलीकांड का मुद्दा गरमाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मऊ।